हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक पारा बढ़ने के साथ ही अब विधायकों ने भी चुनावों में छलांग लगा दी है। ऊना में जिला परिषद उम्मीदवार के पक्ष में वोट अपील करते हुए कांग्रेस विधायक ने इन चुनावों में किसान बिल को प्रमुख मुद्दा बताया। उन्होंने बिल में किसानों से धोखे का दावा करते हुए इसे जनता तक ले जाने की बात कही। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक तापमान सर्दी के मौसम के बावजूद दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि राजनीतिक धुरंधर भी अब इस तापमान की तफिश से बच नहीं पा रहे हैं। ऊना में इसी बानगी का उदाहरण बने ऊना सदर से कांग्रेस विधायक सतपाल रजायदा, दरअसल यहां की हरोली जिला परिषद सीट से कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में विधायक महोदय ने प्रचार अभियान की कमान संभाली। उन्होंने उम्मीदवार के पक्ष में बाजार में दुकान दुकान जाकर लोगों से वोट मांगे। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने इन चुनावों में भी किसान बिल को मुख्य हथियार बताया। उन्होंने इस बिल के किसान विरोधी होने का दावा किया और इसे जनमानस को समझाने का दावा किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को किसान और व्यापारी विरोधी बताया। जहाँ से हमारे छोटी बहन शशि रानी जी चुनाव लड़ रहे हैं और इनको भरपूर समर्थन मिल रहा है, इनको क्या जिला भर में ऊना के पूरे जिला में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है किसानों का, किसानों के साथ जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने धक्का किया है, किसानों के साथ व्यापारियों के साथ जिस प्रकार धक्का किया है और भाजपा सरकार की कथनी और करनी में जो फर्क रहा है, कहा कुछ किया कुछ भाजपा के नेताओं ने, इस कारण भाजपा की जो नीतियां हैं उसके विरोध में लोग चल पड़े हैं और कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट जो है उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं भाजपा के लीडर साहबान को ये बता देना चाहता हूं कि उनको इस इलेक्शन में पता चल जाएगा कि जो जनता है वो किसके पक्ष में है और हवा किस ओर बह रही है, ये आपको अभी इन चुनावों में पता चल जाएगा। और हमारे जिला के जितने भी जिला परिषद उम्मीदवार हैं, BDC के उम्मीदवार हैं, प्रधान है या NEC के जो मेंबर साहबान हैं, वो ज़्यादातर उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के जीतेंगे।